हम देखें कि हिस्ट्री क्या है ऑटोमेटिक राइटिंग की कहां से ये शुरू हुई अह uh, जैसे हम देखें ऑटोमेटिक राइटिंग इज रिलेटिवली यंग अगर आप टैरो या ओरेकल्स से कंपेयर करो तो ये क्या है इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि कॉमन लिटरेसी बाद में आई पहले लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज फॉलो करते थे तभी तो आप देखेंगे कि जितने भी uh, जो प्राचीन मेथड्स हैं इवन वेस्टर्न मेथड्स Of uh, predictive sciences या energy sciences, they have symbols. में देख cards decks, दे है आपको symbols और colors के combination मिलेंगे क्योंकि पहले लोग भाषा ही यही समझते थे उसके बाद जब राइटिंग टेक्निक्स आई जब भाषा में और थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हुआ उसके बाद दे स्टार्टेड यूजिंग दिस phenomena ऑफ राइटिंग नाउल द लेट नाइनटीन सेंचुरी द टिपिकल हाउस होल्ड चाहे आप कितनी भी एडवांस साइड ले लें वो लोग यूजली पेन पेपर नहीं रखते थे क्योंकि ये माना जाता था कि ये तो सिर्फ लग्जरी हाथों में होता है रीजन बींग एजुकेशन से रिलेटेड उतनी अवेयरनेस नहीं थी एंड पीपल वर नॉट मच एजुकेटेड फिर एक रफ एविडेंस है कि ऑटोमेटिक राइटिंग अर्ली सिक्सटीन सेंचुरी में यूज हुआ था इन द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ वन जिनको बहुत फैसिनेशन था ओकल्ट साइंसेस से क्वीन एलिजाबेथ वन को लेकिन वो फिर भी उसको सपना समझते थे वहां के लोग तब ओकल्ट को कोई समझ ही नहीं पाया और सिंबॉलिक uh, लैंग्वेजेस को भी नहीं समझे और ना ही डिविनेशन नीड्स को आज की डेट में आप यही देखिए कि वो सिंबल्स लोगों को कहाँ से रिसीव हुए दैट वाज अगेन अ फॉर्म ऑफ दैट राइटिंग पैटर्न ओनली जैसे अगर मैं जीबू सिंबल्स की बात करूं तो डेबी को कहाँ रिसीव होते थे उनको भी ट्रांसटेट में एंजल्स आके बताते थे एंड शीज टू ड्रॉ दो सिंबल्स तो ये क्या है दिस वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग लेकिन दैट टाइम इट वॉज नॉट मच नोन तो लोग इसको अदरवाइज लेते थे आज की डेट में कई लोग हैं ऐसे जो मिथ्स भी रखते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो क्लैरिटी के साथ इसको करते हैं एंड देन आर एबल टू फॉलो ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत पॉपुलर नहीं हुई मिड नाइनटीन सेंचुरी तक जब स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा मोमेंटम पकड़ने लगा रफ्तार पकड़ी, फ्रेंच साइकिक इन्वेस्टिगेटर उनका नाम था एलेक रेवेल और uh, वो आए थे उस समय टू द होम ऑफ बोर्डन सिस्टर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ देयर फादर जिन्होंने ये क्लेम किया था कि he claimed his otherwise flighty daughters regularly received profound messages through their use of automatic writing. तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटियों को मैसेजेस मिलते हैं ऑटोमैटिक राइटिंग के प्रोसेस से रिवेल जो के प्रोफेशनल थे और अच्छे खासे साइकिक रिसर्च में ही वो बहुत इंप्रेस थे कि इनकी बेटियों को इंसाइट्स मिल रही है नॉलेज मिल रही है एंड uh, कुछ अदर कॉन्क्रीट आंसर्स भी मिल रहे थे उनको नाउ द बॉड सिस्टर्स वर नॉट द ओनली वंस प्रोड्यूसिंग हार्ड टू डिसमिस ऑटोमेटिक राइटिंग अब ऐसे विक्टोरियन पीरियड में भी काफी ऐसे लोग रहे हैं जिनका इंटरेस्ट रहा है साइकिक uh, फील्ड में और वो भी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी तक हमें इसके बहुत ज्यादा ट्रेसेस नहीं मिले आज की डेट में अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक राइटिंग आज कैसे ट्रीट की जाती है इट इज द प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑफ राइटिंग मटेरियल दैट डज नॉट कम फ्रॉम द कॉन्शियस थाट्स ऑफ द राइटर इसमें कॉन्शियस थाट्स नहीं होते राइटर के इनफैक्ट तभी कहा जाता है कि मेडिटेशन के टाइम पे हमें अपने माइंड को फुल्ली ब्लैंक करना है वी हैव टू गो ब्लैंक वी शुडंट बी थिंकिंग एनीथिंग कुछ भी बायस थॉट्स नहीं होने चाहिए और एकदम रिलैक्स हो जाना है बिल्कुल रिलैक्स अपने माइंड को एकदम ईज आउट करके और तब हम पूरे सरेंडर मोड में अपने राइट आर्म या लेफ्ट आर्म आप जिससे भी लिखते हैं उसको हम सरेंडर मोड में डिवाइन एन एनर्जीज को देते हैं मैसेज अब राइटर का हाथ ये परफॉर्म करता है और इंसान को खुद को अवेयरनेस नहीं होती आई प्रैक्टिस uh, तो मुझे खुद को अवेयरनेस नहीं होती दैट वॉट आई एम राइटिंग उस पर्टिक्यूलर टाइम पे मेरा हाथ बस चल रहा होता है इतना फील होता है क्योंकि ट्रांस स्टेट में आप होते हैं तो इतना नहीं पता चलता कई बार ही तो आपको आपके हैंड मूवमेंट रियलाइज नहीं होते हैं और आप देखते हैं तो यू रिटन लॉट्स तो कई बार क्या होता है कि जो राइटर है अवेयर होता है वो पूरी तरह से ट्रांस में नहीं होता है अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानता है और बस अपने राइटिंग हैंड के इंस्ट्रक्शंस को वो समझ नहीं पाता हम कैसे समझते हैं हमारा ब्रेन कनेक्टेड रहता है ना हमारे रिफ्लेक्सेस से सारे आर्म से लेग्स uh, से तो जब हमारा हाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है या कोई अल्फाबेट बनाने लगता है तो हम उसके मूवमेंट से ब्रेन को कोऑर्डिनेशन मिलता है कि ये अल्फाबेट बनने वाला है एंड दैट इज व्हाट वी फॉर्म द पिक्चर इन आर माइंड अब जब आप यही चीज स्टेट में दे रहे हो तो ट्रांसटेट में क्या है आपका लॉजिकल ब्रेन इज इनएक्टिव आपका लॉजिकल ब्रेन उस समय नींद में है तो आपका लॉजिकल ब्रेन इसके जवाब नहीं दे पाता जब आप अल्फाबेट्स बनाते हो या आप राइटिंग लिखते हो तो आपने क्या लिखा आपको भी नहीं पता लगता अंटेल अनलेस यू डी कोडेड नाउ ऑटोमेटिक राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिक्टेशन जो कि अनकॉन्शियस टाइम में होता है जहां सिर्फ आपका हाथ सुन सकता है और लिख सकता है आपको इसकी अवेयरनेस नहीं रहती कई बारी होता है कि हमें फ्लैशेस आते हैं हमें पिक्चर्स दिखती हैं, सपोज जैसे कई बारी कलर्स दिखते हैं तो ये क्या है ये फ्लैशेस आ रहे हैं तो इसमें क्या है कि कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर रहा आप सिर्फ वही लिख रहे हैं वही सुन रहे हैं या वही देख रहे हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेटिव स्टेट या ऑल्टर्ड स्टेट में जाएं हाँ जी तरुण जी यू हैड रेज्ड योर हैंड आई एम सॉरी उस समय आई वाज इन दैट फ्लो सो आई कुडंट अलाउ मेरा मेरा यही नो 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 मेरा यही क्वेश्चन था कि कभी-कभी क्या होता है हमारा दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं ऑलरेडी राइट right. और कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे जो चीज हम सोच रहे हैं वही हमारी राइटिंग में बनकर आ गई या निकल कर आ गई तो बस वो आपने अभी समझाया कि जी सो दिस इज द मॉडर्न आउटलुक टूवर्ड्स ऑटोमेटिक राइटिंग